Hi guys, and welcome back and welcome to the first video from our new house in London. सब कुछ कैसा चल रहा है? Finally थोड़ा सा settled feel हो रहा है. शुरू के 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा crazy, hectic थे, overwhelming थे, stressful थे. घर ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई. फिर कुछ अग्रीमेंट ऐसा था कि हमें लमसम में रेंट सबमिट करना था, तो हमें लमसम में इंडिया से पैसे ट्रांसफ़र करने थे इधर. उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और उस वजह से ना सब कुछ काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गया था. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगा था कॉलेज जाऊँगी, पढ़ाई करूँगी, मज़ा आएगा, बट इट्स नथिंग लाइक दैट. आई रियलाइज्ड कि मेरा दिमाग अब बड़े अलग तरीके से फाइन ट्यून हो चुका है, इन द सेंस कि पिछले 4 साल से जो मैंने वीडियो बनाने का काम करा है, जो सोशल मीडिया पे काम करा है, मेरा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग वायर्ड और ट्रेन हो गया था. सो लीविंग ऑल ऑफ दैट एंड गोइंग बैक टू डूइंग रिसर्च स्टडीज, इट वॉज वेरी वेरी डिफरेंट. मैं इन सब चीज़ों के बारे में एक सेपरेट वीडियो में इलैबोरेटली आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी, बट आज मैं एक्चुअली कुछ और शेयर करने आई हूँ. सो रिमेंबर जब मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि मैं लंदन रिलोकेट हो रही हूँ, तो उस वीडियो के एंड में मैंने आपसे बोला था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चैनल कैसे बिल्ड करा, बिहाइंड द सीन बातें, ये सब कुछ. नाउ आई एम एन ओवर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन और मैं अपनी कैपेबिलिटीज को हमेशा ओवर एस्टिमेट करती हूँ. यहाँ पे भी यही हुआ. सो बिटवीन पैकिंग सो मच वीज़ा और ये सब, मैं उस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट नहीं कर पाई. प्लस एडिटिंग डॉक्यूमेंट्रीज इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, इन द सेंस कि बहुत अलग है. मैं जिस तरीके के वीडियोस एडिट करने के यूज टू हूँ, ये उससे बहुत अलग था. सो उस वजह से बहुत सारा टाइम लग गया और फाइनली मैंने डॉक्यूमेंट्री रेडी कर ली है एंड आई वॉन्टेड टू रिलीज इट नो मैटर वॉट. सो कल इसी टाइम पे मैं उस डॉक्यूमेंट्री को लाइव करूंगी. और आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि उस डॉक्यूमेंट्री में मैं क्या पहन कर आऊंगी, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री इज लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स. चैनल कैसे शुरू हुआ, कैसे बिल्ड हुआ उस डॉक्यूमेंट्री में, वैभव विल ऑल्सो बी देयर, माई सिस्टर इज देयर, माई मदर इज देयर, और भी कुछ स्पेशल गेस्ट हैं. सो फॉर सच अ स्पेशल वीडियो आई वॉन्टेड माई आउटफिट टू बी स्पेशल. आई वॉन्टेड माई आउटफिट टू रिफ्लेक्ट हु आई एम. सो इसीलिए और भी स्पेशल था मेरे लिए कि मैं क्या पहनूँ उस वीडियो में. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो आउटफिट डिजाइन हुआ, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या इंस्पिरेशन थी एंड ऑल ऑफ दैट. जैसे आप पढ़ चुके हैं थंबनेल में, इट्स अ सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड आउटफिट. सो पहले सेलिब्रिटी की ही बात करते हैं. द आउटफिट इज इंस्पायर्ड बाय दिस लुक ऑफ अदिति राव हयात्री. आई थिंक उन्होंने अर्लियर लास्ट ईयर ये सूट पहना था फॉर अ प्रेस इवेंट एंड शी इज वेयरिंग द डिजाइनर पुनीत बलाना. जब मैंने ये सूट देखा ना, मुझे आई डोंट नो, वैसे ये कुछ ऐसा नहीं है बहुत यूनिक एंड ऑल ऑफ दैट, बट फॉर सम रीजन आई वॉज ड्रॉन टू इट. मुझे ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगा. अदिति वैसे ही इन जनरल शी इज सो ग्रेसफुल, शी इज सो एलिगेंट, तो वो तो है ही, बट अदरवाइज ऑल्सो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती, लाइक दे आर सिंपल, बट यू आर ड्रॉन टू देम, यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिंप्लिसिटी, क्लास, ग्रेसफुलनेस. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉन्टेड टू रिक्रिएट समथिंग लाइक दैट. सो आई वेंट टू चांदनी चौक, जहाँ मैं हमेशा जाती ढूंढने फैब्रिक्स, बट नहीं मिला कुछ भी ऐसा. एंड प्राइमरीली बिकॉज मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि पुनीत ने कैसे ये पूरा डिजाइन करा है, बट ये जो फैब्रिक है इस पर बटरफ्लाई मोटिव्स है और पूरा जो प्रिंट है काफ़ी डिफरेंट है. ऐसा कुछ ढूंढना या सिमिलर ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था. सो आई वॉज एट अ पॉइंट जिसमें मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि ऐसा कुछ बन नहीं पाएगा. बट देन वन इवनिंग आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम लाइक ऑल ऑफ अस डू एंड आई केम अक्रॉस दिस पिक्चर बाय द ब्रांड तिलोरी. नाउ यू ऑल नो मैं तिलोरी के साथ बहुत बार काम कर चुकी हूँ एंड द रीज़न इज that I really like them. I mean, I talk to them, मुझे उनका नेचर इतना अच्छा लगता है that whenever I'm stuck, I just go back to them, I just tell कि ये problem है, कुछ ऐसा design कर दो, and वो हमेशा ऐसा मेरे लिए करते हैं. So, but coming back, so I saw Nidhi. Nidhi is one of the co-founders of Tilhori and she was draping this gorgeous Madhubani dupatta.
और सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं जैसा पुनीत ने डिज़ाइन करा है सूट, मैं वैसा प्रिंट तो नहीं ला सकती, बट उस पर अगर मधुबनी पेंटिंग हो तो कितना अमेजिंग लगेगा. और मुझे लगा ओके या दिस इज दैट मोमेंट, बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन करते हैं. लेट मी आस्क द गर्ल्स एट तिलहोरी, वुड दे बी इंटरेस्टेड एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैं आगे का प्रोसेस बताने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ अबाउट मधुबनी पेंटिंग, जस्ट इन केस अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता, बट आई एम श्योर पता ही होगा बिकॉज दे आर सो फेमस. सो मधुबनी पेंटिंग्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क, इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग, एंड इट ओरिजिनेटेड इन द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. कभी इनमें फिश का डिज़ाइन होगा, कभी फ्लावर्स का डिज़ाइन होगा, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है. ज़्यादातर रेड कलर में बनता है और ऑरेंजेस भी होते हैं, ग्रीन्स भी होते हैं, और आउटलाइंस ब्लैक में होती हैं. आई मीन जितना मैंने स्टडी करा है, अगर इसमें से मैं कुछ गलत बोल रही हूँ प्लीज़ करेक्ट मी, जितना मैंने समझा फ्रॉम द टीम एट तिलहोरी, जितना खुद भी पढ़ा, मुझे यही समझ आया. बट कमिंग बैक टू इट, तो मैं बहुत इंट्रीग हो गई इस आइडिया से कि मधुबनी पेंटिंग वाला एक सूट डिज़ाइन करते हैं. एंड व्हाई दिस आइडिया इज सो इंट्रीगिंग स्पेशली फॉर दिस वीडियो, जो डॉक्यूमेंट्री में बना रही थी, इज आई फील लाइक it is a representation of who I am. Kyunki I look myself as a person who is deeply rooted in their culture, very proud of their culture, but at the same time I'm also a woman who likes to experiment with contemporary cuts, contemporary design. So to make a suit, jo ek suit hai but us par like it's not a traditional suit, but it's like a little in a contemporary cut with noodle strap and all of that, just like Aditi is wearing, but us par Madhubani painting hai. I mean, how amazing that would be. To main bahut khush ho gayi is idea se, and I went to the team at Tilhori, and मुझे पता था दे आर सच काइंड पीपल, वो हमेशा अग्री करेंगे, और वही हुआ. सो दे सेड कि आपका आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट हमें बात करनी पड़ेगी कि क्या आर्टिसंस के पास इस वक्त वो टाइम है करने का या नहीं, और पैटर्न कैसा होगा सूट पर एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई टोल्ड देम कि आप सोचो और मुझे बताना इफ समथिंग लाइक दैट इज पॉसिबल. एंड दे केम बैक, उन्होंने क्या किया कि चंदेरी फैब्रिक के ऊपर पेंटिंग बनवाई. और पेंटिंग की प्लेसमेंट मैं बताती हूँ, जो सूट के नीचे का तरफ होता है, जो हेम का एरिया होता है, वहाँ पर पेंटिंग है. और जो स्ट्रैप का एरिया है, क्योंकि मैं अदिति राव हयात्री के सूट से इंस्पायर होकर बना रही थी, तो उन्होंने स्ट्रैप पर और नेक के आसपास उस पेंटिंग की प्लेसमेंट करी है. सबसे पहले सूट के फैब्रिक के बारे में बताती हूँ. सो ये मुझे तिलहोरी की टीम ने ही बताया कि यूजुअली वो प्रेफर करते हैं कि चंदेरी फैब्रिक पर पेंटिंग हो. चंदेरी is basically a mix of and this is handloom chanderi, it's a mix of silk and cotton. Us wajah se ek to kyunki silk aur cotton ka mix hai to fabric mein shine hota hai, to painting ke colors bhi zyada khil kar aate hain, zyada sundar lagte hain. Plus jo kyunki isme natural dyes aur pigments use hote hain, they hold the fabric better. और फॉर द बॉटम मैंने तो चूड़ीदार सोचा था, बट वी एंडेड अप गोइंग विद पैंट्स, बाकी दुपट्टा, जिस पर मधुबनी के पूरे पैटर्न्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो इस तरीके से पूरा सूट रेडी हुआ. सो प्लान तो यही था कि जैसे अदिति ने पहना है मैं वैसे पहनूंगी, बट आई फील लाइक हर इंसान पर क्या सूट करेगा, क्या उस पर अच्छा लगेगा, वो उसी को पता होता है. सो आई नो ये जो सेंटर पार्ट स्लीक हेयर वाला कॉन्सेप्ट है, ये मुझ पर इतना अच्छा नहीं लगता. आई फील लाइक आई एम मोर ऑफ दैट पर्सन जिस पर बंधे बाल, लाइक चूड़ा, पोनीज, ये सारी चीज़ें आई फील लाइक मुझ पर ज़्यादा सूट करती हैं. सो आई वेंट विद माई क्लासिक बन, आँखों को हैवी रखा, इन द सेंस कि काजल लगाया, आई लाइनर लगाया, आई शेडो में भी हल्का सा गोल्डन लगाया. आई हैव दिस नेकलेस विद मी, दिस इज बाई पेजले पॉप, जिनका मैंने व्हाइट साड़ी के साथ वो नेकलेस पहना था. आई फील लाइक ये एक और ऐसा नेकलेस है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसी चीजें कलेक्ट करना इन डिफरेंट डिजाइन जो मैक्सिमम आउटफिट्स के साथ चले जाए. आई नो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. और ये नेकलेस बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसको कलरफुल आउटफिट के साथ पहन सकते हो, आप इस तरीके के एक सटल क्रीम आउटफिट के साथ पहन सकते हो. छोटे छोटे इसके साथ इयररिंग थे, एंड दिस इज इट, दिस इज हाउ द एंटायर लुक केम टुगेदर. This is the inspiration and this is the outcome of the idea.
मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कोट कर पाऊंगी क्योंकि द टीम एट टिलहोरी वही आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करेगी, बट दिस आउटफिट शुड बी अपवर्ड्स ऑफ 10,000 rupees. और क्यों ऐसा है, क्योंकि हाथ का काम है और जब भी हाथ का काम होता है वो हमेशा एक्सपेंसिव होता है. सो यही मेरा थॉट प्रोसेस था बिहाइंड दिस सूट एंड ऑल ऑफ दैट. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, और कल मिलते हैं सेम टाइम.